उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ। उस रेसिपी का नाम है पटाटो बाइट। सबके पसंदीदा बहुत ही मज़ेदार होते हैं पटाटो की हर रेसिपी। हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि बनती इतनी ज़बरदस्त है। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की। रेसिपी को करते हैं सर। पटाटो बाइट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। यहाँ हमने ले लिया हाफ के जी आलू जिसे हमने बॉयल कर लिया, उसका कवर रिमूव कर दिया है। 3/4 कप ब्रेड क्रम्स और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून प्याज और जो मजीद चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो स्टेप बाय स्टेप को गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बॉयल ले लिया। हम आलू को हम करेंगे ग्रेट। क्रम्स ना हो, आराम से हमारे पटाटो बाइट्स तैयार हो जाए। यहाँ आलूओं को हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर रहे हैं। तमाम आलू ग्रेट करने के फिर आपको दिखाएंगे। आलू को कर रहे हैं ग्रेट। तमाम आलू को ग्रेट करने के फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। हमने तमाम आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम मजीद चीज़ें ऐड करते हैं। हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून प्याज, चॉप हुई भी 2 टेबलस्पून प्याज, 3/4 कप ब्रेड क्रम्स करेंगे, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। यहाँ हमने चिकन स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स। मिक्स करने के फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। आलू के मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू के एक्स्ट्रा पानी को जब्स करने के लिए हमने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है कि अच्छी तरीके से इसका शेप तैयार हो जाए पटाटो बाइट्स का। यहाँ देख सकते हैं पटाटो बाइट्स को हम ओवल शेप के अंदर तैयार करेंगे। तो हमने ग्रीस कर लिया था, उसका उसका थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया था, उसको ओवल शेप दे देंगे हम। यहाँ देख सकते हैं हमने ओवल शेप तैयार कर लिया। इसी तरह तमाम ओवल शेप को हम रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेकर तैयार कर लेना। इसी तरह तमाम ओवल शेप को हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। पटाटो बाइट्स को हमने ओवल शेप दे दिया, इसको हम करेंगे कोट। हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट और अंडे के अंदर। सबसे पहले हम 1 अदद अंडा ले लिया, इसे अच्छी तरीके से हम बीट कर लेते हैं। अंडे को अच्छी तरीके से बीट कर लिया, इसको हम कोट करते हैं। देख सकते हैं हमने पटाटो बाइट्स ले लिया, इसको हम कोट करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से और इसको उठाएंगे और हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट। ये देख सकते हैं हमारा पटाटो बाइट्स रेडी हो चुका है। इसी तरह तमाम पटाटो बाइट्स को कोट करने का फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं पटाटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से कोट कर लिया। अब इनको हम करेंगे डीप फ्राई। पटाटो बाइट्स बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया। कढ़ाई के अंदर हमने हंसबे सरों ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कोट हुए पटाटो बाइट्स। हम पटाटो बाइट्स 1 बाय 1 करके यहाँ देख सकते हैं पटाटो बाइट्स इसमें ऐड कर रहे हैं। हम देख सकते हैं पटाटो बाइट्स में ऐड कर दिए। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगे तो इसके हम साइड को कर देंगे चेंज। पटाटो बाइट्स की साइडों को करेंगे हम चेंज। ये एक साइड से कुक हो चुके हैं, बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, क्योंकि हम इसके साइड को करेंगे चेंज। इतना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं तमाम साइडों को चेंज कर दिया। इसी तरह तमाम साइडों से गोल्डन ब्राउन कलर ले आएंगे, इसके फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। पटाटो बाइट्स के ऊपर बेहतरीन सा कलर आ चुका है, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह तमाम बैच को हम फ्राई करते हैं, फिर आपको डिश आउट करने का दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। पटाटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं, इसी तरह निकालेंगे फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे फाइनल लुक इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ देख सकते हैं पटाटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको उसको दिखाऊंगी इसका लुक। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत, ये देख सकते हैं इसका साउंड चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिप करके दिखाऊंगी केचप के अंदर और खा के बताऊंगी कैसे बने। देख सकते हैं पटाटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको आपको लुक दिखा दिया, कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं और हमने इसको केचप के साथ सर्व किया। मैंने खा के बता दिया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पटाटो बाइट्स को रेडी कर लिया, उसको हमने तोड़ के भी दिखा दिया, खा के भी बता दिया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। टी टाइम पर ज़रूर बनाई कर लुत्फ़ अंदोज़ होकर। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।